ये जो आप ग्रीन ग्रीन पालक देख रहे हैं, इसको हमने पूरी तरीके से ऑर्गेनिक और एक बेकार पड़ी बास्केट में ग्रो किया है। इसके खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमने इसको अपनी मेहनत से और पूरी तरीके से ऑर्गेनिक ग्रो किया है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे घर पर बेकार पड़े सामान में ऑर्गेनिक सब्जियाँ कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी अपडेट के साथ आपको दिखाएंगे घर पर बेकार पड़े सामान में आप ऑर्गेनिक पालक कैसे ग्रो कर सकते हैं, बीज लगाने से लेकर के पालक हार्वेस्ट करने तक पूरी अपडेट के साथ इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। घर पर ऑर्गेनिक पालक ग्रो करने के लिए यहाँ पर हम इस बास्केट का इस्तेमाल करेंगे। हम सभी के घर पर किचन में इस तरीके की बास्केट का इस्तेमाल बर्तन रखने या फिर दूसरे सामान रखने के लिए किया जाता है, लेकिन यही बास्केट अगर पुरानी हो जाए या फिर टूट फूट जाए तो इस तरीके की बास्केट को हम बेकार समझ के या तो फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी को बेच देते हैं। तो इस तरीके की पुरानी बास्केट या फिर टूटी हुई बास्केट को आप कभी भी ना फेंकें और ना बेचें। इस तरीके की टूटी हुई बास्केट में आप धनिया, पालक, मेथी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, मतलब पत्तेदार सब्जियों को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये आ रहा होगा कि इस तरीके की बास्केट में बहुत सारे हॉल्स होते हैं, तो हम कैसे इसमें सब्जी ग्रो करें? तो इन हॉल को आप किसी भी बड़ी पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं।